था जब हम सरकार में नहीं थे तो भाजपा सरकार एक भ्रष्ट सरकार थी, हमारी बात पर लोगों ने विश्वास किया था, हमने बड़े आरोप लगाए तथ्यों के साथ। हम दिल्ली तक गए थे, खान घोटाला, कालीन घोटाला, 93 का, ललित मोदी के साथ बहुत सारे स्कैंडल सामने आए थे, हमने एक्सपोज किया था, हमने कदम कार्रवाई करी। तो मैं उम्मीद करता था कि पिछले 3-4 सालों में हम कुछ ठोस कार्रवाई करते, और मैं फिर कहता हूँ प्रतिशोध की भावना नहीं है, कोई रिवेंजफुल एक्टिविटी नहीं करनी, बदला नहीं लेना किसी से, लेकिन जो प्रमाणित जो घोटाले भी है उस पर तो कार्रवाई करते और दोषियों को सजा मिलती तो बेहतर रहता। मैं कशिश और स्वागत है आपका मेरे खास प्रोग्राम में। आज इस प्रोग्राम में बात हो रही है सचिन पायलट को लेकर। आपको वो वीडियो भी जरूर सुनवाएंगे जिसमें सचिन पायलट किस तरीके से अपनी ही पार्टी और पार्टी के नेताओं पर तंज कसते नजर आए हैं। कहीं ना कहीं उनके जो सुर है वो बगावती नजर आ रहे हैं। अब यहाँ पर शुरुआत करते हैं उस प्रोग्राम की। खबर ये है कि इन दिनों जब राजस्थान सर्दी में ठिठुर रहा है, उस वक्त कांग्रेस नेताओं की बयानबाजी सूबे की सियासत में गर्मी बढ़ा रही है। विधानसभा चुनाव का वक्त नजदीक आने के कारण बीते कुछ दिनों से ही तो जो ये आलम रहा है वो नेताओं का सियासी पारा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और विधायक सचिन पायलट की बयानबाजी ने हर रोज किसी न किसी शब्द की चर्चा सूबे की सुर्खियां बन चुकी है। निकम्मा, जादूगरी, कोरोना, निठल्ला और यहाँ पर गद्दार जैसे शब्दों की सुर्खियों की भी सबसे ज्यादा चर्चा रगड़ाई शब्द की भी होती नजर आई है। अब कांग्रेस नेता सचिन पायलट जयपुर के महाराजा कॉलेज में छात्र संघ कार्यालय का उद्घाटन करने पहुंचे। कार्यक्रम में युवाओं को संबोधित करते हुए पायलट ने कहा कि जब पहली बार साल 2014 में मुझे राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया तब मैंने जयपुर आकर काम करना शुरू किया था। 5 सालों में मैंने विधायकों की संख्या में इजाफा किया। इसके बाद पायलट ने युवाओं से उनकी मेहनत को लेकर सवाल किया और साथ ही साथ यहां पर ये भी पूछा कि कांग्रेस अध्यक्ष के नाते मेरी मेहनत, मेरे संघर्ष में कोई कमी दिखी क्या? जवाब मिला नहीं। इसके बाद पायलट ने जोश के साथ सवाल किया कि क्या मेरी रगड़ाई में कोई कमी दिखी क्या? तो आवाज आई नहीं। इस सवाल के साथ पूरा परिसर ठहाकों से गूंज उठा और पायलट खुद भी हंसने लगे। लेकिन अगर देखा जाए तो कॉलेज में भाषण देते हुए पायलट ने युवाओं को संदेश दिया कि जो शब्द खुद के लिए नहीं सुन सको वो दूसरों को मत बोला करो। उन्होंने कहा कि राजनीति में जो लोग मेरा विरोध करते हैं, मेरे सामने चुनाव लड़ते हैं, मेरी आलोचना करते हैं, मैंने हमेशा उनका मान सम्मान किया है और हमेशा उनकी इज्जत की है। मैंने उनकी प्रशासनिक कार्रवाइयों को, उनकी नीतियों को, उनके कानूनों को, उनके काम करने के तरीकों को और उनके भ्रष्टाचार को उजागर किया है, लेकिन मैंने कभी अपने विरोधियों के लिए उन शब्दों का प्रयोग नहीं किया जो शब्द मैं खुद के लिए नहीं सुनना चाहता हूँ। जो शब्द आप अपने लिए नहीं सुन सकते वो औरों को नहीं बोलना चाहिए। यानी कि बिना नाम लिए उन्होंने गहलोत पर निशाना बहुत बुरी तरीके से साध दिया। अब महाराजा कॉलेज में युवाओं के बीच पायलट का जबरदस्त क्रेज दिखाई दिया। युवाओं ने पायलट के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। इतना ही नहीं, जब पायलट भाषण दे रहे थे तो उत्साहित युवा जोश के साथ बुलंद आवाज में सचिन पायलट आई लव यू बोल रहे थे। ये सुनकर सचिन भी मुस्कुरा रहे थे। सचिन ने युवाओं के बीच अपने बचपन का किस्सा भी सुनाया। युवाओं ने हमारा सीएम कैसा हो, सचिन पायलट जैसा हो के नारे भी लगाने शुरू कर दिए। अब नॉर्मल सी बात है यहाँ पर कि युवा सबसे ज्यादा अहम भूमिका निभाते नजर आए हैं हमेशा से राजनीति में, और इस वक्त पायलट के साथ पूरे युवा नजर आ रहे हैं राजस्थान के। तो चलिए आपको वो वीडियो दिखा दें जिसमें पायलट ने यहाँ पर किस तरीके से निशाना साधा है, और उसके बाद अपनी राय जरूर दीजिएगा। आपको क्या लगता है कि अब पायलट को सबका साथ मिल रहा है या फिर नहीं? कांग्रेस का संदेश जनजन तक पहुंचे, आखिरी कोने बूथ तक पहुंचे। मैंने सबको प्रेरित किया, आग्रह को, संगठित हो, किसान हो, आदिवासी हो, नौजवान को मिलकर काम करें। और आज एक कार्यक्रम जो कुछ शहर में है, युवाओं का कार्यक्रम है, मुझे लगता है कि युवा देश का भविष्य है। उनको संभालने की, दिशा देने की, निवेश करने की, उनका जो विश्वास है, उनकी जो उनका जो फेथ है हमारे सिस्टम में वो कायम रहे, ये बहुत जरूरी है। आरोप सरकार ने मौजूदा सरकार पे लगाए गए थे कांग्रेस के नेताओं की, लेकिन अब कोई कार्रवाई नहीं हुई, कारण क्या लगता है? आपने कल ये बात पार्लियामेंट में कही थी, इसके पीछे कारण क्या है, कारण क्यों नहीं हुई? कहा था जब हम सरकार में नहीं थे तो भाजपा सरकार एक भ्रष्ट सरकार थी, हमारी बात पर लोगों ने विश्वास किया था, हमने बड़े आरोप लगाए तथ्यों के साथ। हम दिल्ली तक गए थे, खान घोटाला, कालीन घोटाला, 93 का, ललित मोदी के साथ बहुत सारे स्कैंडल सामने आए थे, हमने एक्सपोज किया था, हमने कदम कार्रवाई करी। तो मैं उम्मीद करता था कि पिछले 3-4 सालों में हम कुछ ठोस कार्रवाई करते, और मैं फिर कहता हूँ प्रतिशोध की भावना नहीं है, कोई रिवेंजफुल एक्टिविटी नहीं करनी, बदला नहीं लेना किसी से, लेकिन जो
प्रमाणित जो घोटाले थे उस पर तो कार्रवाई करते और दोषियों की सजा मिलती तो बेहतर रहता। अभी भी समय साल भर काफी उचित कार्रवाई होगी और जो भ्रष्टाचार में लिप्त रहे, जिन पे आरोप लगे और हम सब ने सामूहिक रूप से आरोप लगाए थे, उन पर कार्रवाई करेंगे। मैं आप सबका, प्रदेश का और तमाम लोगों का ध्यान उनकी तरफ आकर्षित करना चाहता हूं जो लोग इस देश का पेट पालते हैं। वो किसान वर्ग जो राजस्थान और पूरे देश में अन्न और अनाज पैदा कर पूरे भारत वर्ष का पेट पालता है। अनेक चुनौतियां कृषक समाज पर आई हैं, लेकिन इतने साल बीतने के बावजूद भी वो लोग जो दिल्ली की सत्ता में बैठे हैं, उन्होंने लगातार किसान पर, किसान की आमदनी पर प्रहार किया है। पहले काले कानून बनाए कृषि के, एक साल तक किसानों ने आंदोलन किया दिल्ली के अंदर, तब जाके वो काले कानून वापस किए और वादा किया था कि फसल खरीद के लिए एमएसपी को लेकर एक कानून बनाएंगे। इतना समय बीतने के बाद भी, स्पष्ट बहुमत होने के बाद भी, भाजपा की सरकार में बैठे लोगों को ना तो किसान की चिंता है, ना किसान परिवार की चिंता है, और ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले वो सब लोग जो कृषि पर आधारित अपना जीवन व्यतीत करते हैं, ना उनकी चिंता है। मैं कल झुंझुनू में था, उससे पहले हनुमानगढ़ गए थे, नागौर में, तमाम जगह जाकर मैंने किसानों को आग्रह किया कि हम सब संगठित हों, जागरूक हों, अपने भविष्य के लिए, अपने विकास के लिए हम चिंतित हों और दबाव बनाए लोगों पर जो कानून बनाते हैं, आने वाले समय में हमारे बच्चों के लिए बेहतर भविष्य का निर्माण हो सके। साथियों किसानों के जो बच्चे हैं, जब पढ़ लिख जाते हैं अवसर ढूंढने पड़ते हैं, शहरों तक जाते हैं, बच्चों के भविष्य की चिंता हम सभी लोगों को है। मैं अक्सर कहा करता हूं कि देश और प्रदेश में जब तक किसानों के बच्चे, गरीबों के बच्चे उन कुर्सियों पर नहीं बैठ जाते जिन कुर्सियों से देश और प्रदेश की नीतियां बनती हैं, तब तक हमारा विकास सही मार्ग में नहीं हो सकता। साथियों, दो के अंदर चुनाव हुए थे, उस समय हमारी कांग्रेस की सरकार चुनाव हार गई थी। हम लोग सड़कों पर आए 5 साल तक, आप सबने सहयोग दिया और 5 साल की कड़ी मेहनत के साथ सब लोगों ने योगदान दिया, हमने सरकार बनाई। उन 5 सालों में वसुंधरा जी की सरकार राजस्थान में थी, हमने चुनौती दी थी वसुंधरा जी की सरकार को कि आपके भ्रष्टाचार, आपके काले कारनामों को हम एक्सपोज करेंगे। और 2018 में जब जनता ने भाजपा की सरकार को विदाई दी, तुम इस विश्वास पे दी थी कि उस 5 साल में लगातार घोटाले हुए उस पर हम जांच करेंगे, जो मुलजिम पाए जाएंगे कार्रवाई करेंगे। आप सबको याद होगा, वसुंधरा जी की सरकार में हमने लगातार आरोप लगाए थे, खान का घोटाला हुआ, उससे पहले कालीन का घोटाला हुआ था। अधिकारी नेता जो उस वक्त भ्रष्टाचार में लिप्त थे, हमने कहा था हम उन पर कार्रवाई करेंगे। हमारी सरकार को 4 साल हो गए, मैं उम्मीद करता हूं कि चुनाव आने से पहले भाजपा की सरकार ने जो भ्रष्टाचार किए थे, जिनको हमने जाके पब्लिक में कहा था, उन सब लोगों का उस कार्यकाल में भ्रष्टाचार में फंसे हुए थे, एक्सपोज हम करेंगे, न्याय लोगों को दिलाएंगे ताकि जनता हमारी बात पर विश्वास कर सके।